आटे का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन परफेक्ट नहीं बनता। तो आज मेरी ये रेसिपी फॉलो करके आप बहुत ही साधारण तरीके से परफेक्ट आटे का हलवा बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। परफेक्ट हलवा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है मेज़रमेंट। तो जितना आप आटा ले रहे हैं उसका आधा आपको रिफाइन ऑयल या घी लेना है। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम आटा लिया है, तो 100 ml मैंने रिफाइन ऑयल लिया है इसको भुनने के लिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है इसको अच्छे से भून लेना। अगर आपने मेरे प्रोसेस से इसको भून लिया तो आपका हलवा नो फेल होगा, मतलब कि एकदम परफेक्ट हलवा बनेगा। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं इसको फ्राई करती हूँ आटे को, तो मैं ऐसे मसल मसल के इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं उनको एकदम ख़त्म कर देती हूँ। मतलब जिस वक्त मैं आटे को भून रही हूँ उस वक्त ही मैं इसको ऐसे फ्लैट कर कर के इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जब मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ तो उसके बाद इसमें ना कोई गुठली होती है और ना मेरा आटे का हलवा ख़राब होता है। तो इस प्रोसेस को करने में कम से कम मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे। और मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आप ऐसे इसको चपटा कर कर के या प्रेस कर कर के आटे को अच्छे से भून लें। अब यहाँ मेरा आटा अच्छे से भून गया, रेड हो गया है। तो मैं इसमें करीब 200 ग्राम आटे में 70 से 80 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। आप जितना मिठास चाहते हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें करीब छोटे ग्लास से आधे ग्लास पानी डालती हूँ, कम लगता है तो थोड़ा सा और डालती हूँ। और फिर जो प्रोसेस मैंने पहले किया था इसमें गुठली ना हो, उसी प्रोसेस को फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। अच्छे से इसको मसल मसल के मैं हलवे को पानी और चीनी दोनों मिला देती हूँ। इस हलवे को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। और फ्रेंड्स, ये हर हलवे से ज़्यादा मुझे पसंद है। मतलब मुझे आटे का हलवा सबसे बेस्ट लगता है। अब टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड की है, बड़े चम्मच। अगर आप देसी घी में बना रहे हैं तो नो नीड टू ऐड घी। आपका हलवा घी से बहुत अच्छा स्वाद देता है। आटे के हलवे में घी जो है वो हीरो का काम करता है। तो यहाँ देखिए मेरा हलवा एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको एक बोल में सर्व कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे आटे के हलवे में कोई मेवा वगैरह पसंद नहीं है, मैं इसको ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। लेकिन आप चाहें तो थोड़े बहुत नट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास काजू अवेलेबल था तो मैं इसमें काजू ऐड कर देती हूँ। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से इंजॉय किया। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।